यार लोकेशन मेरा जबरदस्त है, मन कर रहा है कि कुछ देर यहीं पे बैठ के आराम से मेडिटेशन किया जाए या फिर इस नज़ारे का लुत्फ उठाया जाए। गुड मॉर्निंग, आज मैं हम लोग कल शाम पहुंचे थे सितलाखेत। आपने देखा था बहुत टूटे फूटे रास्ते से हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहाँ रात के करीब 7 बजे। उस वक्त दिखाने के लिए कुछ स्थानीय अंधेरा हो गया था, तो इस चक्कर में कुछ व्यू थे नहीं। हमने भी डिनर किया, थके हुए थे, डिनर किया और सो गए थे उसके बाद। और अभी जो सुबह का नज़ारा है वो है ज़बरदस्त। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा हिमालय रेंज दिखाई दे रही है, और साथ में अपने भाई लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, और एक प्यारा मेहमान नहीं इतना, ये तो है रॉबर्ट। पीछे देखो रॉबर्ट ये यहाँ की रखवाली करता है जो पूरे कैंप साइट की, और कैंप साइट है मेरे कजिन का। कभी भी आपको यहाँ आना पड़े सितलाखेत में, सितलाखेत जो आपके अल्मोड़ा और रानीखेत दोनों के बीच में है, करीब 22-22 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी रानीखेत और अल्मोड़ा दोनों ओर से। आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, और यहाँ आके आप नज़ारे ले सकते हैं पूरे हिमालयन व्यू के। अभी मैं आपको हिमालयन व्यू का नज़ारा दिखाता हूँ और कौन कौन से एरिया इसके आसपास हैं उसका सबका नज़ारा आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है, एक यहाँ पर नियरेस्ट टेम्पल है, करीब 1.5 किलोमीटर ट्रैक है उस टेम्पल में जाने का। अभी होते हैं तैयार और चलते हैं टेम्पल की ओर, और पहले आप देख लीजिए यहाँ के कुछ खास नज़ारे। मौसम है काफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा, हालत ख़राब हो गई है भैया। सुबह 6 बजे उठाऊँ मैं, 6 बजे से अब जाके धूप निकली हुई है। ये देखिए यहाँ से सूरज देवता ने दे दिए हैं दर्शन, अब यहाँ पर थोड़ा गर्मी ली जाएगी। और ये देखिए लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है, आप देखो ये पूरा हिमालयन रेंज है। सामने मेरे त्रिशूल पर्वत है, उसके इधर नंदा घुंटी पर्वत है, और इधर चौकम्बा पीक है, उधर कहीं हाथी पर्वत है, इधर आपके कहीं पे है चौबटिया गार्डन सामने, और उस साइड कहीं अल्मोड़ा है, और नीचे ये पूरी जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे गाँव है। ये कॉटेज जो है हमारे सनराइज के लिए काफी अच्छा है, इसमें जो शाम का टाइम सनराइज होता है वहां से लाइट पड़ती है, और सामने आपका हिमालय व्यू है, आप आराम से बैठ के या बेड में हिमालय व्यू देख सकते हो, और इसी में टॉयलेट बाथरूम अटैच इसी में है, टॉयलेट बाथरूम इसी में है, और दूसरा रूम हमारा इस तरफ है, एक साइड सनसेट है एक साइड सनराइज है। ये सनसेट के लिए काफी अच्छा रूम है, ये सनराइज के लिए, वो सनसेट के लिए, हाँ उल्टा हो गया, सनराइज के लिए अच्छा है। हाँ। और ये सामने हिमालय व्यू, हिमालय व्यू देख सकते हो आराम से, और ये टॉयलेट आपने इसमें भी अटैच है। हाँ, लटैच है वो, अपने एक दिखा दिया। और साथ में अगर कोई जिसको ये पसंद ना आए रहने के लिए कॉटेज, तो वो आपके इसमें टेंट में भी रह सकता है, टेंट में भी रह सकता है, एडवेंचर अगर फील करना है और ज्यादा तो इसके अंदर का ठंडा नहीं होता, इसमें अभी तो हमने ये बंद किया है। अच्छा, इसका वॉशरूम वो नीचे है। इसका वॉशरूम यहाँ पे है, और ये टेंट है काफी बड़ा है, इसमें 10-12 लोग आ सकते हैं आराम से, बेड और गद्दे भी आ जाते हैं। अच्छा, वरना स्लीपिंग बैग में सला दोगे, इसमें स्लीपिंग और मैट्रेस पूरा एडवेंचर का देते हैं। ये इसके टॉयलेट बाथरूम है अटैच। अच्छा, ये ठीक है, ऐसी ये भी सेम ऐसी हो गया, लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये डाइनिंग हॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर आप खाना आराम से बैठ के आ सकते हो, और हिमालय का नजारा लेते हुए आराम से, मतलब हिमालय को देखते हुए खाना खा सकते हो पूरा। एक कॉटेज वो ऊपर है, उधर रिसेप्शन है आपका है, और ये डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल दिखाओगे आप? ये डाइनिंग हॉल है, ये तो बड़ा मस्त बनाकर है आपने यार। ये पूरा लकड़ी का, ये यहीं की लकड़ी है, देवदार और चीड़ की। अच्छा, और टेबल वेबल यहीं बने हुए हैं, और कैपेसिटी भी बहुत लोग की है, करीब इसमें कम से कम 50-60 बच्चे आराम से खा सकते हैं, और फैमिली। अच्छा, पार्टी आर्टी के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, तो ये था हमारा रिजॉर्ट कैंप साइट जो है हमारी, द वेलनेस कैंप शाही देवी सितलाखेत। अब भाई साहब हमको गोवर्धन जी लेके जा रहे हैं शाही देवी मंदिर, और हमारे साथ चलेगा रॉबर्ट भी। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले चलना है हमने, ये पार्किंग है, यहाँ पर हमने कल रात अपनी बाइक खड़ी कर दी थी दोनों रात में लाके, और ये सामने का नज़ारा, और ये पूरे जो कैंप साइट है उसका नज़ारा है पूरा।
ऊपर से देखो। अब दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता स्याही देवी जाने का। स्याही देवी सितलाखेत ये। बाकी भाई साहब हमको बताएंगे पूरे उसकी कहानी। ये सामने एक बहुत ब्रिटिश काल का बना हुआ मकान है और यहाँ पे इन्होंने जो इसके ओनर है उन्होंने हल बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है यहाँ पे। ये सामने इन्होंने ट्रैक्टर भी रखा है, देखो सोनालिका का एक छोटा ट्रैक्टर है। तो पहाड़ में किसी को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे एक फैक्ट्री है हल बनाने वाली। अब देखो यार भाई साहब नजारा देखो ना आप। आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, सारे बादल नीचे हैं यहाँ पर। देखो क्या व्यू है। वो सामने आपको दिखाई देगा चाइना पीक, नैना पीक, उधर है कहीं मुक्तेश्वर, इधर कहीं रामगढ़ और नथुआ खान इस साइड में, और ये पूरी वैली का व्यू, उधर कहीं अल्मोड़ा है जहाँ बादल लगे वाटरफॉल, ढकानी वाटरफॉल है। अच्छा जहाँ बादल लगे हैं वो ढकानी वाटरफॉल है। इधर भतरौज खान हो गया, ये चौबटिया गार्डन हो गया, और उधर हो गया दौराहा दुनागिरी, और वो हिमालयन रेंज सारी की सारी। और ऐसा व्यू आपको सिर्फ सितलाखेत से दिखाई दे सकता है, जहाँ क्लाउड का बेड लगा हुआ है नीचे और आप हो उससे ऊपर। और ये विंटर में जब भी आप आओ तो यही व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे बादल कुछ देर बाद ऊपर आ जाएंगे। यार लोकेशन बड़ा जबरदस्त है, मन कर रहा है कि कुछ देर यहीं पे बैठ के आराम से मेडिटेशन किया जाए या फिर इस नज़ारे का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन टाइम की कमी है तो ज़्यादा देर तो हम यहाँ बैठ सकते हैं नहीं। लेकिन आप देखो पीछे लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब तो आपको वीडियो लाइक ही करना पड़ेगा भाई। देखो मैं आपको फिर से एक अच्छे एक ऐसे प्लेस पर लेके आया जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि आपका मंत्रमुग्ध हो जाएगा। यह है स्याही देवी का राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्याही देवी, क्षेत्र हवलबाग, आता जनपद अल्मोड़ा। अब ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में बिल्कुल, और यहाँ से आप देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो सामने इतनी बड़ी ये पीक दिखाई दे रही है, हिमालयन पीक। भाई लोग अपनी फोटोग्राफी पे लगे हुए हैं, और वो उधर कहीं मंदिर है, अभी हम मंदिर जाएंगे, अभी भाई की फोटो खींच रहे हैं। और नीचे गाँव का लोकेशन ऑसम है, वो उधर सामने है चौबटिया गार्डन, ये यहाँ पे ना ये चौबटिया गार्डन है यहाँ पे। स्याही देवी 25 मई 1898 से 28 मई 1898 तक स्वामी विवेकानंद जी यहाँ एक तंबू में ठहरे थे। उसमें वे प्रतिदिन करीब 10 घंटे वन की नियमितता में व्यतीत करते थे। स्याही देवी स्वामी विवेकानंद स्टेड हियर इन अ टेंट फ्रॉम 25 मई 1898 टू 25 मई 1898। ही यूज टू स्पेंड इन द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट अबाउट 10 आवर्स एवरी डे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यह पूरा स्याही देवी मंदिर बिल्कुल टॉप में है जी, पूरे टॉप में के चारों ओर 360 व्यू में बहुत सारे माउंटेन, आप चारों ओर दर्शन कर सकते हैं पूरे कुमाऊं के स्याही देवी मंदिर से। तो आप बताना कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत से बना रखा है। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे दबाने के पैसे नहीं लगते, तो उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग मेरा मिल जाए। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, नीचे बेल आइकन दबाएं और उसे ऑल करके रखें ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का जैसे ही आए आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी का प्लान देखते हैं नीचे जाके कैंप साइट में जाके कि क्या सीन बनता है, कहाँ जाने का बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।